मंत्री महोदय का वक्तव्य मैंने सुना और मंत्री महोदय ने कहा कि 17 जनवरी को इन्होंने स्पेशल गिरदावरी कराई और राजस्थान में सिर्फ 10 जिलों में नुकसान हुआ। मंत्री महोदय, आपको मालूम है, आपने जो बात कही, इस बार औसत से ज़्यादा बरसात हुई और आपके खुद के आंकड़ों ने कहा कि इस बार बुआई 10.34% ज़्यादा रबी में हुई। चार बार कहर टूटा सभापति महोदय, और दिसंबर में पाला पड़ा, हमने यह मांग की, आपने वक्तव्य दिया और वक्तव्य के अनुसार आपने कहा नुकसान बाद सरसों में 40%, चना गेहूं में 25 से 40%, टमाटर और मटर की फसल चौपट हो गई और आपने उसमें जनवरी के अंदर वो दिलाया, स्पेशल गिरदावरी का हुक्म दिया और उस हुक्म के साथ ये हुक्म भी दे दिया कि जिला कलेक्टर उनको कहें कि 33% ज़्यादा खराबानी दिखाएं। ये SDRF का जो पैसा है उसमें अकेला आपका नहीं है, भारत सरकार का भी है, 13,000 करोड़ रुपये पड़ा है। और सभापति महोदय, अभी पश्चिमी विक्षोभ, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, ये मेडिकल जर्नल लिसेंट की रिपोर्ट, उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट अब पूरे हिंदुस्तान देश में, विश्व में आना चालू हो जाएंगे। अब ये पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है, जिसका जिक्र सतीश जी ने किया, ये 16, 17, 18 मार्च को 26 जिलों में, अध्यक्ष महोदय, इसमें जयपुर, नागौर, चूरू, पाली, कोटा, बारा, भरतपुर, उदयपुर, इसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चला, बरसात आई और कटी हुई फसल बिखर गई, वो तूफान ने बिखेर दी और ऊपर से बरसात ने गला दी। और मैं निवेदन करूं, ये जो पिछेती की फसल थी सरसों, इसबगोल और गेहूं की, ये खड़ी खड़ी खत्म हो गई। और अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कॉल सेंटर से किसान को सूचना देनी होती है, ऐप में डालना होता है, एक कॉल सेंटर अगर सक्रिय रहा हो तो आप मुझे सजा देना। और मैं समझता हूँ कि ये जो आधा दर्जन मौत हुई है, जिन कुछ मौत का जिक्र इन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय, सरकार पर विश्वास इसलिए काश्तकार का उठा कि उन्होंने जनवरी में जो सर्वे कर किया, जो स्पेशल गिरदावरी की, उसकी फुट्टी कोड़ी एक पैसा भी अब तक आपने किसान के खाते में दिया, मुझे बताएं। इसलिए सर, अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार न केवल स्पेशल गिरदावरी की, गिरदावरी पर तो आपने पिछली बार डिजिटल गिरदावरी करवाई, कोई आदमी मौके पर नहीं गया और आपने झूठे आंकड़ों के आधार पर जिस प्रकार की बात कही, मैं समझता हूं राजस्थान में किसान से इससे बड़ा किसान का नुकसान हो नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है कि आप सदन में घोषणा करें कि आप गिरदावरी पूरी करके SDRF में जो भारत सरकार का पैसा पड़ा है उसमें कितनी, कब तक आप किसान के खाते में, SDRF के नॉर्म्स कहते हैं 15 दिन में पैसा देने का, आपके घर का पैसा नहीं है, आप क्यों नहीं किसान के खाते में पैसा डालते, बताएं आप। नारायण बेनीवाल, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं बोले, लिस्ट लिए मैंने हाथ खड़े करने से नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग हैं आपका, हम अनुशासन में बंधे हुए हैं, अभी आप देखिए जिस प्रकार की हालत है, मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि इस पर फैसला करे सरकार, सिर्फ लिप सिंपैथी नहीं, हम ये नहीं चाहते, आपको फैसला करना पड़ेगा और आप फैसला नहीं करोगे तब तक हम राजस्थान के गांव में भी लड़ेंगे, यहां भी आप लड़ेंगे, इधर देखे उधर नहीं देखे, आप इधर से रिलीफ लें उधर रिलीफ लेनी है। अध्यक्ष महोदय, इस लिपा पोती का उत्तर जो मंत्री महोदय ने दिया है, हम इससे कतई संतुष्ट नहीं है, हम कतई संतुष्ट नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में पहली बार बर्बाद हो गया, 18,000 करोड़ रुपए किसान बर्बाद हो गया, 18,000 करोड़ रुपए, 15% तो बाहर जाने हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस सरकार के लिपा पोती पूर्ण उत्तर में असंतुष्ट होकर सदन का बहिष्कार मन करते हैं। आप हो गए नारायण बेनीवाल, मंजदस नीचे बैठे, नारायण बेनीवाल बोलना आपको, बोलिए नारायण बेनीवाल। मान्य